नगर निगम सभागार में सोमवार को निगम बोर्ड की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में छठ को लेकर साफ सफाई, पेयजल समस्या समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। बोर्ड की बैठक में दीपावली छठ पर्व को देखते हुए शहर में साफ सफाई व छठ घाटों में साफ सफाई पर गहन चर्चा की गई। वहीं वार्ड में कई जगह लाइट की समस्या से भी बोर्ड को अवगत कराया गया। इस बाबत निर्देश दिया गया कि खराब पड़े लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और जहां पर लाइटों की जरूरत है वहां पर नई लाइट लगाई जाए। बैठक में पेयजल समस्या के साथ विकास की अन्य योजनाओं पर भी गंभीर चर्चा की गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसा मिलता है स्टंट खत्म हो चुका है, वही रिपेयर नहीं हो सकता, वही अस्पताल होगा सर। वैसा और जो अगर इसमें ट्राई हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे दुनिया भर में डस्टबिन फैला हुआ है सर, हम लोग कहते हैं कि चार को पांच को डस्टबिन भी दे दीजिएगा तो जो पूरा नाला जो डाल दे रहा है वो पूरा कर डस्टबिन डाला जाएगा, उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। नए हम कहते हैं कि नया बन पाता है भाई, लेकिन लंबे थे और उम्मीद है कि दो महीने के अंदर कोई धरातल पर आ जाए। अवैध बहाली को लेकर कोई मामला उठा है क्या? अवैध बहाली के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ ये जरूर चर्चा हुई है कि जिन लोगों की रोजी रोटी निगम से चल रही है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके नियमितीकरण की दिशा में पहल की जाए। सर आकांक्षा की ओर से साफ सफाई आकांक्षा के मामले में तमाम वार्ड पार्षदों के साथ साथ मैं भी बड़ा संतुष्ट हूँ कि आकांक्षा के वजह से शहर में साफ सफाई का काम बड़ा दुभर हो गया है। हम लोग भी यह मानते हैं कि आकांक्षा को गिरिडीह नगर निगम के कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से चार बिंदु पर चर्चा किया गया। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, जिसको लोग सर्वसम्मति से लोगों ने संतुष्ट किया। दूसरा, अभी दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए सभी वार्डों में और सभी घाटों में कैसे साफ सफाई हो, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के बाद निर्देश दिया गया है कि सभी वार्डों में जहां भी गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, उसको साफ करने का काम करें। जहां आवश्यक समझें वहां लाइट लगाने का काम करें, और जिस वार्ड का लाइट खराब हो वहां मिस्त्री भेजकर और तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करें, और जहां लाइट बदलने की बात हो वहां लाइट को बदलने का काम करें। दूसरी बात कि छठ घाट में छठ घाट की सफाई, छठ घाट निर्माण का काम, और इसको भी छठ पूजा के एक दिन दो दिन पहले और करने का काम करें, ताकि छठ के समय और सारा अपडेट रहे और छठवर्ती को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तीसरी बात है कि डिवाइडर, ये आपका अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा और रोड में डिवाइडर लगाने के लिए आवेदन दिया गया था बड़ा चौक से लेकर कोलडीहा तक, उसको भी बोर्ड ने और स्वीकृति दी है कि उस रोड को सर्वेक्षण करने के बाद अगर लगने की स्थिति में है तो लगवाया जाए। और इसके अलावे कुछ अन्य मुद्दे जो मानदेय से संबंधित था, पानी से संबंधित था, चापाकल मरम्मत से संबंधित था, उस पर भी चर्चा हुई। और सारे चापाकल और उसको मरम्मत करने के लिए निर्देश दिया गया है। मानदेय के बारे में निर्णय हुआ कि जैसे ही फंड की उपलब्धता होगी वो मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस तरह सारे विषयों पर चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक रूप से बैठक में लोगों ने चर्चा में भाग लिया और जो जो बातें निकल के आई उसको करने के लिए निर्देश।